प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, कल की क्लास में हमने 15 नंबर तक कवर किया था, आज हम उसके आगे कवर करेंगे और आपके सामने आने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इस डिस्कशन क्लास का पूरा पर्पज ये है कि आप क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा सकते हैं। इस प्रैक्टिस क्लास का पूरा पर्पज ये है कि आप क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आप इस क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा सकते हैं ये आपको बताना है यहां पर। तो सभी लोग आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति को पहला क्वेश्चन, हर स्टूडेंट को पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1, 4 ईयर आंसर आ चुका है, गंगवार जी ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड भाई। देखिए 4 ईयर, 16 का ए आ रहा है। नवन अग्रवाल ने आंसर किया है 16 का ए, योगेंद्र जी ने आंसर किया है, रोहित जी ने उत्तर किया है। किस मेथड का आपने उपयोग किया है वो भी आप हमें बताएं। यहां पर आपने रेशियो मेथड का उपयोग किया होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा होगा, एक तरफ राजीव लिखा होगा, एक तरफ संजीव लिखा होगा, इधर लिखा होगा 5, इधर लिखा होगा 6, कितने साल बाद, 8 साल बाद, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 5 2 7 6 2 8, 2 का अंतर आया है, 2 का डिफरेंस आया है। और आप कहोगे 2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 8 ईयर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहां का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 4 है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो 4 आया है। वेरी गुड भाई, सब लोगों ने एकदम सही आंसर किया है, बिना पेन चलाए किया, वेरी गुड सनी, बहुत अच्छे भाई। हम तो यही चाह ही रहे हैं कि बस आप क्वेश्चन देखो और उत्तर आंसर करो। आप, मैं चाह रहा हूं कि तुम क्वेश्चन देखो और उसका उत्तर करो, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर सही बताओगे। क्वेश्चन ऊपर कट रहा है बाबू, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, अवसम, मजा आ गया। आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और सब्सक्राइबर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है। मैंने जैसा कि आपको दिखाया था सुबह के, सब्सक्राइबर काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो वीडियो को आप लाइक करते रहें और दोस्तों के पास अपने शेयर करते रहें, ये काम आपको लगातार करना है और खटाखट क्वेश्चनों का आंसर देना है। बिल्कुल होगा सनी जी, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर के लगा सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर। आप लगा के तो देखो इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के लगा दोगे योगेंद्र जी, सब लोग बिना पेन पेपर के तैयार करो। रोहित बताओ बिना पेन पेपर के आया है क्वेश्चन ये, रोहित क्या ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर के आया है, और क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करें ताकि मुझे पता चले आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। मैथ एंड रीजनिंग सिखाना मेरी जिम्मेदारी है और कल मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा संडे स्पेशल में, संडे स्पेशल में 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के होंगे, दमदार क्वेश्चन होंगे और आपको खटाखट उत्तर करना है प्रश्नों का। कल की संडे स्पेशल क्लास में 50 क्वेश्चन मैं आपको रीजनिंग के लगवाऊंगा और वो पूरी रीजनिंग से होंगे, पूरी रीजनिंग से होंगे जो आपके पेपर में आती है। राधा गोले जी उत्तर कर रही हैं, 6 ईयर 6 ईयर, सनी जी कह रहे हैं ओके सर, योगेंद्र जी बिना पेन के आया है, बहुत अच्छे। रोहित कैसे बिना पेन के आएगा, 9 साल पहले शादी हुई, 3 1 3 4 3 अंतर 1 1 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9, 4 की वैल्यू 9 4 36, 36 का 1/6 कितना आएगा, 6 आएगा, 2 साल पहले पूछा है, तो उत्तर 6 आएगा कि डी आएगा, मीनाक्षी 6 उत्तर कर रही, योगेंद्र 6 उत्तर कर रहे हैं, मीनाक्षी 6 उत्तर, हाँ योगेंद्र बाबू आंसर वापस ले लिए तुम, बहुत होशियार हो भैया। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं थी। तो सर कैसे बनाते पेन और पेपर की जरूरत नहीं थी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 9 साल पहले शादी हुई, अब जो उम्र है वो 1 सही 1/3 गुना है, इसको लिख सकते हैं 4/3। मैंने क्लास में समझाया था इनके बीच का जो अंतर होता है वही कितना होता है, 1। 1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, ये अब वाली उम्र होगी, ये शादी वाली उम्र होगी, ये अब वाली होगी, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 का 1/6 करेंगे तो 6 आएगा, इसीलिए मैंने पहला ऑप्शन 6 दिया था ताकि खट दे उत्तर मार दो और उत्तर गलत हो जाए। पहला उत्तर इसीलिए 6 दिया गया था ताकि आप लोग गलत कर दो, और काफी लोगों ने गलत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मेहनत कामयाब रही, आप लोगों ने गलत किया। लेकिन पूछा क्या था, 2 साल पहले उसकी पुत्री की उम्र बता दो, तो इसमें से 2 कम करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर है बाबू 4 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से हमें बता दें, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है 5 साल बाद श्याम की आयु कितनी होगी, 5 साल बाद श्याम की आयु कितनी होगी? घुमाओ इस क्वेश्चन को, बिना कलम के चलाना है। प्रांजल पटेल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रीति जी कह रही हैं ऑप्शन डी बहुत अच्छे है। प्रीति जी प्रांजल शेयर करो वीडियो को, प्रीति जी शेयर करिए, सुखदेव जी शेयर करिए वीडियो को, जितना कर सकते हैं आप लोग। स्टडी मटेरियल तो खूब शेयर करते हैं, वीडियो भी शेयर करिए। 18 का सी। नमन, नमन क्या आपने बिना पेन पेपर के लगाया इस क्वेश्चन को? नमन क्या बिना कलम चलाया इस क्वेश्चन को बनाया है आपने? 18 का सी। बताएं सब लोग 18 का सी उत्तर कर रहे हैं। वनचास, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना था। पहला तरीका आपको ये लगाना था कि क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 साल बाद की उम्र कितनी होगी, इसका मतलब ये जो सारे ऑप्शन दिए हैं 45, 29 और 49, ये आपके साथ सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ये 5 साल बाद की उम्र दी गई होगी। आप पहले इसको वर्तमान में ले जाओ, वर्तमान में ले जाने के लिए सभी से हमें 5-5 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40, यहाँ कितना आ जाएगा 24, यहाँ कितना आ जाएगा 44। अब क्वेश्चन में पढ़ो, कह रहा था राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 6:11 है। अगर अनुपात 6:11 है तो जाहिर सी बात है कि श्याम की उम्र का अनुपात कितना है, 11 है, तो वर्तमान वाली उम्र का उत्तर वही होगा जो 6 से कट रहा होगा। वर्तमान वाली उम्र का उत्तर वही होगा जो 11 से पूरा पूरा कट रहा होगा। 11 से क्या ये कटा? नहीं। क्या ये कटा? नहीं। ये कट जाएगा 44 कट जाएगा। इसके बाद आप एक बार और क्रॉस चेक कर लो कि 4 साल बाद वाली जो आयु होगी वो 2 से कटनी चाहिए, तो 4 साल बाद ले जाओ 48 और वो 2 से भी कट जाएगा। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों रेशियो से कट जाना, दोनों रेशियो से कट जाना इत्तेफाक नहीं हो सकता। बाकी आप इसको रेशियो मेथड से तो बना ही सकते थे। बिल्कुल प्रीति जी हम आपको देख रहे हैं, आपका आंसर भी देख रहे हैं। बाकी इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे जरा देख लेते हैं एक बार। एक तरफ बोला है राम और एक तरफ बोला है श्याम, रेशियो कितना दिया है 6:11। फिर कह रहा है 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। हमने देखा कि भाई अंतर बराबर नहीं आया, इसका अंतर ले लो 1 आएगा, इसका अंतर ले लिया कितना आ गया 5। नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 5, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, अंतर कितने का आया 1 का। 1 की वैल्यू जो है वो 4 साल के बराबर हो जाएगी। तो हमसे पता करना है भैया, यहाँ की पता कर लो, 11 × 4 = 44 हो जाएगा और 5 और दौड़ देंगे तो 44 और 5 कितना हो जाएगा 49। सभी लोगों ने इसी मेथड से लगाया है, एक बार कमेंट करके बताओ क्या सभी लोगों ने इसी मेथड से बनाया था, रेशियो मेथड से सब लोगों ने बनाया था, रेशियो मेथड से सब लोगों ने बनाया था। प्रीति जी 18 का सी उत्तर कर रही हैं। जो मैं ये सिखा रहा हूं आपको इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, ये चीजें आपको सीखनी है, ये चीजें आपको सीखनी है। अगर ये चीज सीख गई तो बिना कम पेन और कलम के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, बिना पेन और कलम के आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ये इस क्वेश्चन को ट्राई करो, शेखर की वर्तमान उम्र बतानी है और शेखर की वर्तमान उम्र जो होगी वो 17 से कटेगी ना। इस क्वेश्चन को बिना कलम 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 चलाए उत्तर देना है, बिना पेन एंड पेपर के क्वेश्चन आंसर देना है। जल्दी से बताओ, बिना पेन और पेपर के उत्तर देना है। देखते हैं पहले कौन उत्तर करेगा। 34 योगेंद्र जी ने उत्तर किया है 34 साल। क्या आपने बिना पेन और पेपर के उत्तर किया है? क्या आपने बिना पेन और पेपर के उत्तर किया है? 19 का सी आ रहा है। जी सर। अच्छा देखिए कैसे कह रहा था कि भैया ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन 17 दिया है, दूसरा ऑप्शन 51 दिया है, अगला ऑप्शन 34 दिया है और अगला ऑप्शन दिया है आपको 28। कह रहा है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 14:17। शेखर की उम्र बताना है तो शेखर की उम्र वही होगी जो 17 से कटेगी। 17 से कट रहा है, 17 × 51 = 17, 17 × 2 = 34, 17 से 28 नहीं कट रहा है, एक ऑप्शन हट गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 17:20।
इसका मतलब 6 साल बाद वाली जो शेखर की उम्र होगी वो किससे कटनी चाहिए, 20 से कटनी चाहिए। अगर इसमें मैं 6 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 23, 20 से नहीं कटा। यहां पर 6 जोड़ दूं कितना हो गया हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 56। क्या कटा, ये नहीं कटा हमारे 20 से। इसमें जोड़ूंगा 20 से कितना हो जाएगा 40, और 40 जो है वो 20 से कट रहा है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है, 40 है। ये 40 कट रहा है, इसका उत्तर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। अहमद जी गुड मॉर्निंग, बताओ क्लियर हो गया सबको। 1 की वैल्यू 2, 17 की वैल्यू 34, बिल्कुल बिल्कुल। आप योगेंद्र जी आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आपने ऐसे लगा दिया, बिल्कुल कैसे लगा दिया आपने, देख लेते हैं कैसे आपने लगाया। आपने देखा कि रेशियो का अंतर बराबर है, 14 से 17 हो गया 3 का अंतर, 17 से 20 का हो गया कितने का अंतर, 3 का अंतर। 3 का अंतर जो होगा वो 6 साल के बराबर होगा, 1 का अंतर 2 साल के बराबर होगा, तो 17 दुना कितना हो जाएगा 34। खटाक उसका उत्तर आ गया, बिना कलम चलाए, बिना कलम चलाए आ गया उत्तर, बिल्कुल योगेंद्र जी बिल्कुल। प्रीति जी बताइए, सब लोग इसको बिना कलम चलाए बना लिए हैं, एक बार बिना एक बार कलम चला के बना देते हैं। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी उल्लू बना रहे हो, कुछ समझ में हमको आ नहीं रहा है, हम क्लास से जा रहे हैं। ये रेशियो मेथड है, बहुत जबरदस्त काम करता है प्रॉब्लम ऑन एज और रेशियो प्रोपोर्शन में, तो आपको इसको याद रखना है। सबसे पहले यहां का अंतर देखो कितना आया 3, यहां का अंतर देखो कितना आया 3, 3 की वैल्यू है 6 साल, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 साल, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 साल, और 34 साल इस क्वेश्चन का उत्तर था, 34 साल इस क्वेश्चन का उत्तर था। अब मत कहना कि प्रॉब्लम ऑन एज में प्रॉब्लम होती है, अब आप ये कह ही नहीं सकते हो कि प्रॉब्लम ऑन एज में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑन एज में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी उम्र में प्रॉब्लम नहीं है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। अब आप उत्तर बताएं क्वेश्चन नंबर 20 का, अहमद जी वीडियो को एक बार आप शेयर करेंगे, क्योंकि अभी भी आप एंट्री किए हैं, आपने वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर करें, जितना आप कर सकते हैं उतना इस वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा होगा। पेन मत चलाओ सर, अरे सर को पेन चलाने दो बेटा, नहीं तो सर समझाया कैसे पाएंगे बच्चों को, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना कलम चलाए बिना नहीं समझ सकते, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल बराबर नहीं होता। सनी बाबू सबका आईक्यू लेवल बराबर नहीं होता, कोई जल्दी समझता है, कोई 2 बार में समझता है, कोई 3 बार में समझता है, कोई जिंदगी बीत जाती समझता ही नहीं है। ए आंसर आ गया है, नमन अग्रवाल बेटा प्रश्न के नंबर के साथ में उत्तर करो, क्योंकि ए से मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप किस क्वेश्चन का उत्तर देना चाह रहे हो, इसीलिए आप प्रश्न के नंबर के साथ में उत्तर करो। शिवम कटियार जी का स्वागत है रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में। शिवम जी एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, शिवम जी एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है शिवम जी। यहां पर कह रहा है मीना की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है, मीना की वर्तमान आयु बता दो 8 से कटेगा, 8 चौक 32, 8 5 40, 36 नहीं कट रहा है, 32 और 40 कट रहा है, ठीक है। मीना की और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद, कितनी हो जाएगी 10 से कटनी चाहिए, 8 साल बाद 10 से कटनी चाहिए, इसको ले जाएंगे 10 साल बाद कितना हो जाएगा 48, नहीं कटेगा 10 से, 32 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 और कट जाएगा 10 से। आंसर क्या है इसका, ए आंसर क्या है इसका, ए है आंसर, आंसर क्या है इसका, ए। नहीं तो आप इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते थे, कैसे, एक तरफ लिखते मीना, एक तरफ लिखते डॉटर, एक तरफ लिखते मीना, एक तरफ लिखते डॉटर, इधर आ जाएगा मीना का 8 हो जाएगा, डॉटर का 1 हो जाएगा, कितने साल बाद 8 साल बाद, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। अंतर बराबर नहीं, इसका अंतर ले लो 7 आ जाएगा, इसका अंतर ले लो कितना आ जाएगा, अच्छा अंतर बराबर आ रहा है, अंतर बराबर ऑलरेडी आ रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 साल, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 साल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 चौक 32। आप ओरली कर सकते हो, 8 से 10 हुआ है 2 का अंतर, 1 से 3 हुआ है 2 का अंतर। सभी लोग प्रश्न के नंबर के साथ में उत्तर करें, अभिषेक यादव जी आ चुके हैं, सभी लोग प्रश्न के नंबर के साथ उत्तर करें तो हमें पता चले कि आप जो है प्रश्न का उत्तर जो है किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेम है क्या, इसका इंग्लिश अलग है हिंदी और उसके सेम हो गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में पढ़ के बनाएंगे भाई, इस क्वेश्चन की हिंदी पिछले क्वेश्चन की आ गई है, इंग्लिश यही की है। कह रहा है इन अ फैमिली मदर्स एज इज ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर एज, अपनी पुत्री की 2 गुनी है, हिंदी गलत है इसकी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्यान दीजिएगा, इधर हो गई है मदर, इधर हो गई है डॉटर, 8 डॉटर कितनी है 2 गुनी है, तो डॉटर 1 हो जाएगा, तो मदर कितनी हो जाएंगी 2, फादर है क्या, मदर इज द 10 ईयर ओल्डर देन मदर, मदर माता से जो फादर है वो 10 साल बड़ा है, मदर इज ब्रदर इज द 20 ईयर यंगर देन हिज सिस्टर मदर एंड द 8 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, व्हाट इज द एज ऑफ फादर,
तो इसके ऑप्शन पता नहीं सही है कि नहीं सही है, ट्राई करो जरा देखें। सनी चौहान को इंग्लिश आती नहीं है, चलो इंग्लिश नहीं आती है तो इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं भाई। वैसे भी इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है, आप इसे छोड़ दो, फिर आगे देखा जाएगा, अगली बार मैं लगा दूंगा इसको। आप आगे बढ़ो और अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, अगला क्वेश्चन जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताएं क्या दिया हुआ है। कह रहा है राम की आयु जो है 55 वर्ष है, ठीक है। श्याम राम से 5 वर्ष छोटा है और मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। मोहन का छोटा भाई गोपाल जो मोहन से 7 वर्ष छोटा है, तो गोपाल और राम की आयु में कितना अंतर है। इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से बना सकते हैं। 22 का ए उत्तर आया है, नमन अग्रवाल जी ने उत्तर किया है 22 का ए राइट आंसर होगा। सरताज अली जी आ चुके हैं और समीर भाई ने बुलाया है इनको। और आपको बता दें कि आज की शाम की क्लास में 7 बजे मैं पढ़ाऊंगा सिलॉग। आज की शाम की क्लास में 7 बजे मैं आपको सिलॉग पढ़ाऊंगा, जिसमें हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली हाथी हैं, तो आप उसको अपने जीवन से नहीं लेना है, वो है तो है, ठीक है। आज शाम को मैं 7 बजे आपको सिलॉग की क्लास पढ़ाऊंगा। तो अभी तक मैंने सिलॉग किसी बैच में नहीं पढ़ाया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग शाम की 7 बजे वाली क्लास में जरूर आएंगे और वहां पर मैं आपको सिलॉग पढ़ाऊंगा, जिसे मैं बोलता हूं न्याय निगमन, ठीक है। तो शाम की क्लास में सबको वेट इंतजार रहेगा मुझे, 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी और पूरा 1 घंटे की क्लास चलेगी। तो आप लोग शाम को जरूर बने रहेंगे हमारे साथ। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन में राम के बारे में बताया गया है, राम कितना है 55 है, राम कितना है 55 है। श्याम जो है राम से 5 वर्ष छोटा है, तो मैं यहां से श्याम की उम्र निकाल सकता हूं। श्याम की उम्र कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जो मोहन से 6 वर्ष बड़ा है, अगर ये मोहन से 6 वर्ष बड़ा है, तो मोहन की उम्र यहां निकाल लो, मोहन की उम्र इसमें से 6 घटा दो, कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी। मोहन का छोटा भाई गोपाल जो मोहन से 7 वर्ष छोटा है, गोपाल की उम्र यहां से निकाल सकते हैं, 7 वर्ष छोटा है, तो इसमें से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 34। 34 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 37 आएगा ना, 4 घटा देंगे 3 और घटा देंगे। अब कह रहा है गोपाल और राम की आयु में अंतर बता दो, गोपाल और राम की आयु में अंतर बता दो। आपको 55 से क्या घटा देना है, 37 घटा देना है, 8-7 हो जाएगा 15, 8-7 15 हो जाएगा और 18 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और सभी लोगों ने इसका ए आंसर किया है, वेरी गुड 18 साल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। शाम को मैं फिर बता देता हूं कि बहुत जबरदस्त चैप्टर होने वाला है सिलॉग, जो आपको बड़ा कंफ्यूज करता है, आपका कंफ्यूजन आज मैं दूर करूंगा शाम को 7 बजे। तो आप लोग बने रहेंगे शाम को 7 बजे, ये आ जाइए। हमारे पास क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, एक आदमी की आयु अपनी पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का होगा, तो पत्नी की वर्तमान आयु बताएं क्या होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से घुमा दीजिए इस क्वेश्चन को। योगेंद्र जी आपका गलत क्यों हो गया भाई, आपका गलत नहीं होना चाहिए था, आपने सी उत्तर किया था, अंशु गोले जी ने ए उत्तर किया था, योगेंद्र गवार जी ने उत्तर वापस ले लिया है। सनी चौहान कह रहे हैं हाँ सर हम जरूर आएंगे सिलॉग पढ़ने, क्योंकि आज तक हमने देखा नहीं कैसे कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं। तो सनी जी बिल्कुल आप शाम को आइए, आपको हम दिखाएंगे कुछ कुत्ते कैसे बिल्ली होते हैं, कुछ आदमी कैसे जानवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, और पुत्र की कह रहा है 3 वर्ष बाद 15 का हो जाएगा। अगर पुत्र 3 वर्ष बाद 15 का हो जाएगा, तो हम सन की वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं, सन वर्तमान में कितने का होता है बताओ, 12 का होगा कि नहीं होगा, सन 12 का होगा कि नहीं होगा बताओ। अब यहां से तुम आदमी की उम्र निकाल लो, आदमी की कितना हो जाएगा इसका 4 गुना, तो इसका जो फादर होगा वो फादर हो जाएगा इसका 4 गुना। 4 गुना मतलब कितना, 12 चौक 48 हो जाएगा। अब पत्नी से जो है 3 साल बड़ा है, तो इसमें से 3 घटा दो, पत्नी आ जाएंगी, और पत्नी जो होंगी वो कितने साल की हो जाएंगी, 45। ये हो गई आपकी पत्नी जी, तो पत्नी जी की उम्र कितनी आ गई है, 45 आ गई है। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका डी उत्तर कर रहे होंगे।
पहला आंसर आया था नमन जी का, 23 का डी आया है, दो अगला उत्तर आया सुखदेव, अगला आया शिवम कटियार, अगला आया रणधीर सिंह, अगला आया योगेंद्र गंगवार, 45 आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 24, अंशु गोले जी ने भी उत्तर किया है 23 का डी, अंशु गोले जी ने भी उत्तर किया है 23 का डी, 45 इज द राइट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। सरताज अली जी, सर बहुत अच्छा चैप्टर है, इवनिंग में आएंगे सर? नहीं, अभी भी रुकिए, इवनिंग में भी आइएगा, शाम को काला जाम बटेगा, शाम को छेना बटेगा, तो फिर काला जाम भी तो बट रहा है, काला जाम भी खाइए और शाम को छेना भी खाइए। बबली पाल जी ने एंट्री की है, गुड मॉर्निंग बबली, शाम को मैं फिर बता दे रहा हूं, शाम को स्लॉक का चैप्टर चलेगा, आपको जरूर आना है, एग्जैक्ट 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे स्लॉक का चैप्टर चलेगा, आपको जरूर पढ़ना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है 24 नंबर में क्या दिया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का 1/3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, ये जो 1/3 लिखा है ना, बच्चा इसको परेशान हो जाता है पढ़ के। और मैं बता दूं कि इस 1/3 1/4 का आपके प्रश्न में कोई मतलब नहीं है, अगर आप इस प्रश्न को रेशियो मेथड से लगाते हैं तो इसमें आपका 1/3 1/4 से कोई मतलब नहीं है बाबू, कोई मतलब ही नहीं है इसका, जान लो। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो सीधे आप लगा दो, एक तरफ लिखो ए, एक तरफ लिखो बी, ये 7:9 हो जाएगा। 6 वर्ष पूर्व का आयु का अनुपात दिया है, तो आप इसको सीधे 1:2 लिखो। कैसे आप इस बात को समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ए और बी दो लोग हैं, समझिएगा इस बात को कि 1/3 का यूज कैसे नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूं ए 10 साल का है और बी है 15 साल का, ए 10 साल का है बी 15 साल का है, मैं कहूं बताओ इनकी उम्र का अनुपात कितना आएगा, तो आप कहोगे 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, इनकी उम्र का अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। फिर मैंने कहा कि अगर ए 10 साल का है और बी 15 साल का है, इनकी 1/3 उम्र का अनुपात, इनकी 1/3 उम्र का अनुपात, 1/3 एज का अनुपात कितना आएगा, तब भी तो यहां पर निकालोगे 3 से 3 कट जाएगा, फिर ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, मतलब रेशियो के केस में चाहे आप उम्र का 1/3 कर दो, 1/4 कर दो, 1/5 कर दो, इसका आपके प्रश्न पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। विवेक यादव जी गुड मॉर्निंग, तो यहां पर हमने देखा यार 6 का अंतर है, यहां पर कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, अंतर बराबर नहीं, अंतर बराबर करो, इसका अंतर 1 आएगा, इसका अंतर 2 आएगा, यहां पर गुणा कर देंगे तो ये 2 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। अंतर कितने का हो गया, 5 का, तो 5 की वैल्यू जो है वो 6 साल है, ध्यान दीजिएगा, 5 की वैल्यू जो है वो 6 साल है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6/5 वर्ष। हमसे कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो पहले आप वर्तमान का निकालो, जब आप वर्तमान का निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 7/42, ये आ जाएगा 42/5, ये आ जाएगा 9/54, 54/ कितना हो जाएगा, 54/5। यहां तक बात सबको समझ में आई है, ए और बी की उम्र हमने निकाल ली है, ए और बी की वर्तमान उम्र हमने निकाल ली है, ए की वर्तमान उम्र कितनी आई है, ये आई है 42/5 और बी की वर्तमान उम्र कितनी आई है, 54/5 आई है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है, अगर 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है, विवेक जी गुड मॉर्निंग, अगर यहां पर 6 साल बाद जाना है तो 6 यहां भी जोड़ना पड़ेगा, 6 यहां भी जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6×5 = 30, 30 जोड़ देंगे, 30 और 40 कितना हो जाएगा, 72/5, 5×6 = 30, 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 84 और 84/5, हमें इसका अनुपात बताना है, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 से काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से काट दो, ये आ जाएगा 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 × 8 = 32 और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 3 से काट दो, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, आंसर कितना आ जाएगा, 6/7 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको मजेदार समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो 1/3 लिखा था ना, ये बच्चे को बहुत परेशान करता है, ये जो 1/3 लिखा है ये बच्चे को बहुत परेशान करता है, और आप इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि सर क्या ऐसा आ गया इस प्रश्न में जो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसा करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूपेन जी उत्तर कर रहे हैं, 12 का उत्तर आ चुका है, वेरी गुड, 24 का आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग नए जुड़े हैं मैं बता दूं, शाम को 7 बजे की क्लास में आज मैं पढ़ाऊंगा उन्हें सिलॉग,
शाम की क्लास में सिलॉग पढ़ाऊंगा जिसे हम बोलते हैं न्याय निगमन, तो शाम को 7 बजे आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आज का लेक्चर आप मिस कर देंगे तो बहुत बड़ा चीज आप मिस कर देंगे अपने एग्जाम का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। 25 आपके सामने है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25। मजा आ रहा है भाई सबको? एक बार कमेंट करके बताओ। 18 लोग लाइव हैं और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, नहीं एक भी सवाल समझ में नहीं आएगा। जितना सवाल समझोगे तुरंत भूल जाओगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जितना सवाल आपने समझा है तुरंत छू मंतर हो जाएगा, इसलिए जल्दी से लाइक करें और एक बार कमेंट करके बताएं। 18 के 18 लोग हमारे साथ लाइव हैं, एक बार हम देखना चाहेंगे कितने लोग हमारे पास लाइव हैं। तो सभी लोग अपना अपना एक बार नाम लिखें या हेलो लिखें तो आपका नाम आ जाएगा मेरे पास। जल्दी से एक बार देखना चाहेंगे कि भाई कौन कौन से बच्चे हमारे साथ इस समय लाइव लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, भगवान इनकी हर इच्छा को पूरी करें। आगे बढ़ते हैं। यस, नमन है, प्रीति है, योगेंद्र बाबू हैं, रणधीर बाबू हैं, अरबाज खान आ चुके हैं और विवेक बाबू भी हमारे साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल, शाम को सिलॉग पढ़ाएंगे अरबाज बाबू, शाम को सिलॉग पढ़ाएंगे 7 बजे, ठीक है? 7 बजे सिलॉग पढ़ाएंगे तो आपको आना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपने जो कोर्स परचेज किया था मेरा, वहां पर अभी सिलॉग लोड नहीं हुआ है, तो आज मैं पढ़ाऊंगा फिर आपके कोर्स में लोड कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अंशु गोले हैं, शिवम कटिवार हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। राधा की वर्तमान आयु उसके पुत्र पिता की आयु का 1/4 है, 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु का जो है वो हो जाएगा कपिल की आयु का 2 गुना। 8 वर्ष पहले कपिल ने अपना 5वां जन्मदिन मनाया था, तो राधा की वर्तमान आयु कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी नाइस। सर जी मैं भी हूं प्रांजल पटेल, आपको तो हम भूल ही नहीं सकते, आपको तो हम भूल ही नहीं सकते। आपका नाम हम ले या ना ले, आप समझते रहो कि आपका नाम मैं ले रहा हूं। सरताज अली सिखा, विवेक, गुड, वेरी नाइस, मजा आ गया भाई आज तो। अब ये प्रैक्टिस क्लास डेली रहेगी, 10 से चैप्टर वाइज चलते रहेंगे, प्रॉब्लम ऑन एज, फिर एलसीएम एससीएफ, फिर वो जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस होगी, सवाल को बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप मुझे समझाओगे, आप खुद समझोगे और उसका उत्तर बताओगे जल्दी से। तो जल्दी से बता दें जल्दी से यहाँ पर कितना आंसर आएगा। 25 का सी आंसर आ रहा, देखिए कैसे कह रहा है, यदि 8 वर्ष पहले कपिल ने अपना 5वां जन्मदिन मनाया, अगर 8 वर्ष पहले कपिल ने अपना 5वां जन्मदिन मनाया है तो कपिल इस समय कितने साल का होगा? 8, 5, 13 साल का होगा, 8 और 5, 13 साल का होगा। वेरी गुड, बिल्कुल अहमद, 8 ईयर राधा, ठीक है। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद जो है उसके पिता की आयु कपिल की आयु कितनी होगी? 2 गुना। तो इसे 6 वर्ष बाद ले चलो, 6 वर्ष बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 19। अगर 6 साल बाद ये 19 हो जाएगा तो कपिल के फादर इसका डबल हो जाएंगे और वो कितने को हो जाएंगे? 19 दूना 38 के हो जाएंगे। कपिल के फादर जो होंगे वो कब कितने को हो जाएंगे? 38 के हो जाएंगे। ये हैं कपिल के फादर। कपिल के फादर जो है कह रहा है 6 वर्ष बाद उसके पिता, मतलब राधा के पिता हैं, राधा के पिता हैं ये, कपिल की आयु का 2 गुना हो गए। अब कह रहे हैं राधा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है, मतलब आप इनको इनकी पहले वर्तमान उम्र निकालो कितनी आएगी, इसमें से 6 घटाना पड़ेगा कितना आ जाएगा? 32। मतलब राधा के पिता वर्तमान में कितने के हैं? 32 के हैं और इसका 1/4 कर दूंगा तो राधा की उम्र निकल के आ जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8 साल। 8 साल आएगा, 8 साल आएगा। बिल्कुल विवेक जी, रिवीजन हो जाएगा, सी आंसर आ रहा है, बहुत लोगों ने इसका सी आंसर किया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से हमें बता दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, योगेंद्र बाबू 13, 6, 19, 18 हो जाएगा, 13, 6, 13 और 6, 18। अच्छा 8, 5, 13, तो इसका आंसर कैसे मैच कर गया भाई? ये इत्तेफाक हो गया, 13 और 6, 18 है। अच्छा आपने कर दिया, ठीक है ठीक है, आप कर दिए इसीलिए आपने गलत आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, मैंने सोचा मेरा गलत हो गया। आकाश गंगवार जी, जीएस की लाइव क्लास कब होती है? उसके लिए तो आपको खुशी मैम से बात करनी पड़ेगी। खुशी मैम का नंबर ले लो हमसे और खुशी मैम से बात करो कि भैया जीएस क्लास कब होती है। जीएस का डिपार्टमेंट तो खुशी मैम का है,
बिल्कुल 26 का आंसर आ चुका है और आंसर आया है आकाश गंगवार जी ने उत्तर किया है 26 का डी आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत आसान सी बात है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है। हमसे पूछा क्या है बिमल आए, भूपेंद्र का भी डी आ रहा है, 26 का 24 आएगा, प्रीति गुप्ता कह रही है ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारी क्लास फिनिश होने वाली है ये। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर हम पढ़ेंगे क्लॉक। अगले 2 घंटे की क्लास रहेगी तो सभी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और क्लॉक पढ़ने के लिए हाजिर रहेंगे। अगली क्लास हमारी होने वाली है सुखदेव जी, शाम को सिलॉक पढ़ाऊंगा, आना है जरूर आपको, ठीक है। और यहां पर मैं जितने भी टेस्ट लिया हूं सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है। चाहे वो हमारा प्रॉफिट लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा। और सभी लोग आप मॉर्निंग में 10 से 11 बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दिया है बिमल। बिमल जो है वो विवेक से जितना छोटा है उतना ही वह विकास से बड़ा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? बिमल के। और बिमल की ही उम्र पूछी गई है तो सीधा जो ये दिया होता है योग, इसका आधा कर दो उत्तर आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का आधा कितना, 24। ये जो लोग नहीं समझ पाए कैसे हुआ है, मैं उन्हें समझा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होता है, कह रहा है बिमल विवेक से जितना छोटा है। अब विवेक से कौन छोटा है? बिमल। ये हो गया विवेक, ये हो गया बिमल। कितना छोटा है? इतना छोटा है, ये बराबर हो जाएगा। कह रहा है उतना हुआ विकास से बड़ा है। कौन विकास से बड़ा है? बिमल। तो अब यहां से हमें बिमल से घटाना पड़ेगा क्या? विकास की उम्र घटानी पड़ेगी, दिखाई दे रहा होगा। इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार बिमल। 2 बिमल बराबर हो जाएगा विवेक और प्लस विकास की एज का सम। और ये आपको दिया है कितना, 48। ये 48 दिया है, 2 बार बिमल हो जाएगा और हमें बिमल की एज बतानी है तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 24। तो बिमल की एज कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में केवल इसके सिवा और आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। अगर आप किसी और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर हमें बताएं जल्दी से आप। क्वेश्चन नंबर 27 का आपको राइट आंसर बताना है। क्या दिया है यहां पर देखिए, बिल्कुल सरताज जी 24 होता है। यहां पर कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन से ट्राई करें कैसे, ऑप्शन से कैसे ट्राई करेंगे, पहला 8 दिया है सब पुत्र के लिए, दिया है सन के लिए, फिर 7 दिया है, फिर 5 दिया है। तो अगर यहाँ पर 30 वर्ष अधिक है तो ये हो जाएगा फादर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 अधिक है 37 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो 10 वर्ष बाद इसे ले जाओ, 10 वर्ष बाद इसे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा, 48। क्या इसका 3 गुना आएगा? नहीं आएगा। इसे ले जाओ कितना हो जाएगा, 10 साल बाद 17 और इसमें जोड़ो 47। क्या इसका 3 गुना होगा, 17 51 नहीं होगा। इसका ले जाओ ये हो जाएगा 10 साल बाद 15 और इसमें जोड़ दो 10 कितना हो जाएगा, 45 और 15 3 45 ये दे देगा आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आएगा, 27 का सी आएगा सर, 24 ही आएगा, बिल्कुल 27 का सी आएगा। कितने लोगों ने इस प्रश्न को बिना पेन और पेपर के बनाया था, कितने लोगों ने इस प्रश्न को बिना पेन और पेपर के बनाया था जल्दी से बता दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 27 का 5 आएगा। बाकी आप इसे बेसिक से लगा सकते हो, पिता की उम्र मान लो, पुत्र की उम्र मान लो, 5 साल बाद दिखा दो कैसे बनाओगे। मान लेता हूं कि जो सन की उम्र है वो कितनी है, एक्स है, तो फादर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30 हो जाएगा। अब एक तरफ लिखो फादर को 30 प्लस एक्स और एक तरफ लिखो एक्स। कह रहा है 10 साल बाद तो 10 इसमें जोड़ेंगे, 10 साल बाद ले चलो तो सन कितने का हो जाएगा, एक्स प्लस 10 का हो जाएगा। फादर कितने का हो जाएगा, एक्स प्लस 40 का हो जाएगा 10 साल बाद। और कंडीशन ये है कि जो फादर है वो 3 गुना है, तो आप सन का 3 गुना कर दो, ये आ जाएगा 3x, ये सन था ये फादर था, 3x हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, बराबर में x प्लस 40 हो जाएगा। इसमें से x घटा देंगे 2x आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप बहुत आराम से बता सकते हैं और जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या आएगा। सरताज जी, क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करें, आप क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करें ताकि हमें पता चले कि आप किस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 है, और 3:11 है रमेश और महेश का। ये हो गए रमेश बाबू और ये हो गए महेश। अनुपात कितना दिया है, 3:11 दिया है। महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है, महेश जो है वो सुरेश से 12 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, 85। अगर 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु 85 हो जाएगी तो इस समय सुरेश कितने का होगा, आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, 85 से 7 घटा दो, 5 घटाएंगे 80 बचेगा, 2 और घटा देंगे कितना हो जाएगा, 78। 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, 85, तो हमने 7 वर्ष बाद 85 होगी, 7 घटा दिया, 5 घटाया 80 आ गया, 2 और घटा दिया कितना हो गया, 78। यदि रमेश के पिता रमेश से 25 वर्ष बड़े हैं, अब देखो यहां से सुरेश आ गया और आगे क्या दिया था कि महेश जो है वो सुरेश से 12 वर्ष छोटा है। अगर सुरेश अगर 78 का है तो हम यहां से महेश की उम्र निकाल सकते हैं, और महेश की उम्र कितनी आ जाएगी, महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है तो इसमें से 12 घटा दो, 12 घटा दो कितना आ जाएगा, ये 6 और ये कितना हो जाएगा, 6, 66 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, महेश की उम्र कितनी आ गई, 66 आ गई। अब अगर महेश की 66 आ गई है तो यहां पर रेशियो तो 11 दिया है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 कितने से गुणा हुआ है, 6 से, इधर भी 6 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 18। रमेश की उम्र कितनी आ गई है, 18 आ गई है। यहां तक सबको समझ में आया है, रमेश की उम्र कितनी आ गई है, 18 आ गई है, यहां तक सबको क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, यदि रमेश के पिता की आयु रमेश से 25 वर्ष ज्यादा है तो रमेश की उम्र कितनी आई है, 18। फादर की निकालना है तो फादर के लिए 25 आप जोड़ दो, 8 5 13 हो जाएगा और 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो जो फादर है रमेश के जो फादर हैं उनकी एज कितनी है, 43 ईयर है, और 43 ईयर आया था आंसर। भूपेंद्र जी ने आंसर किया था, नहीं किया था भूपेंद्र जी ने, 28 का ए आया है। नमन शिवम प्रीति सरताज सैम अहमद सैम रजा योगेंद्र और सुखदेव, इतने लोगों ने आंसर किया था भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बनाना सीख लिया है। ये हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मैं फिर एक बार बता दूं कि शाम की क्लास में हमारी मुलाकात होगी 7 बजे, और उससे पहली क्लास हमारी होगी 11 बजे, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद भी पढ़ाएंगे हम क्लॉक, ठीक है। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें, पूरा लॉकडाउन का फायदा लें, पूरा लॉकडाउन का फायदा लें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप पढ़ाई आपकी एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है। अगर कल का पेपर हो जाए तो आप तैयार नहीं हैं तो आप कुछ जल्दी से नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, और ये एक ऐसा पिलर है जो धीरे धीरे मजबूत होता है, बहुत एकदम जल्दी से मजबूत नहीं होता है। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, सभी लोग क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करें। अगर आप ए ए लिखोगे, सी सी लिखोगे, बी बी लिखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप किस प्रश्न को लिख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, रमन की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है और उसकी माता की आयु की 9/13 गुनी है। यदि तीनों की वर्तमान आयु का योग दिया है 125, तो रमन की पुत्री और उसकी माता की आयु में कितना अंतर है यह बताना है। रमन की पुत्री और उसकी माता की आयु में कितना अंतर है, बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। नमन, नमन तुम्हें तो आंसर याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से, इतनी बार क्वेश्चनों को बनाया होगा आपने, आपको तो उत्तर याद हो जाना चाहिए था। देखिए कैसे, तो यहां पर दिया है रमन, ये मान लो रमन, और कौन है, रमन की डॉटर है, रमन डॉटर हो गई, और कौन है, रमन की मदर है, तो रमन की मदर हो गई यहां पर, रमन की मदर। समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को, समझें आप लोग, ये जो है वो कौन हो गई, रमन की
मदर हो गई हैं। अब कह रहा है कि रमन की जो उम्र होगी पुत्री की तीन गुनी माता की आयु की 9/13। तो आप इस क्वेश्चन को माता से शुरू करो, माता को कितना मानेंगे 13, तो रमन कितना हो जाएगा 9, तो पुत्री कितनी हो जाएगी 3। ये बात सबको समझ में आई है क्या? ये बात सबको समझ में आई है? और हमें बताना क्या है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है रमन और उसकी पुत्री का अंतर कितना होगा ना। तो यहां से हम अंतर निकाल के देख सकते हैं, 10 की वैल्यू बतानी है, 10 से कई ऑप्शन कट रहे हैं तो अब लगाना पड़ेगा हमें। और तीनों का योग कितना दिया है देखो, ये हो जाएगा हमारे पास योग कितना 13, 3, 16 और 9 कितना 25। हमारे हिसाब से योग 25 हो रहा है और आपके योग कितना दिया है 125 दिया है। तो 25 × 5 = 125 होता है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 साल आ जाएगी। हमें अंतर बताना है और इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और 10 की वैल्यू बतानी है तो 10 × 5 कर दूंगा तो क्या 50 नहीं आएगा? तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा 50 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 50 आएगा। काफी लोगों ने उत्तर किया है इसका CCC, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कितना आएगा। अगली क्लास हमारी 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग तैयार रहेंगे 11 बजे के लिए। लिंक का इंतजार आप बिल्कुल ना किया करें, आप चैनल पे आ जाया करें, वहां पर लाइव वीडियो चलती दिख जाएगी, आप उस पर क्लिक करके क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। आप वहां पर लाइव क्लास देखें और उसको क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक का आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना है कि आपके ग्रुप में लिंक आएगी तो उस लिंक पर क्लिक करके आप जाएंगे, नहीं। आप टाइम का ध्यान दें, मॉर्निंग में 10 बजे, फिर 11 बजे, शाम को 7 बजे। तीस का बी आ रहा है। नमन अग्रवाल, 30 का बी आंसर सही होगा, एक बार फिर से ट्राई करो। इतना जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे हो कि क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो और सीधे संख्या या सवाल उठा ले रहे हो, डेटा उठा के क्वेश्चन को बना दे रहे हो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो। विवेक यादव, CND, विवेक यादव कह रहे हैं सर CND होगा, मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर निकाला नहीं जा सकता है। विवेक जी देख लिया मैंने आपका आंसर, गोले भाईजान डी आंसर कर रहे हैं, अंशु गोले डी आंसर कर रहे हैं, और कोई 20 लाइक कंप्लीट होने में एक लाइक कम है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, क्योंकि 20 लाइक होने चाहिए थे, अभी तक 19 लाइक हुए हैं। सुखदेव जी डी उत्तर कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए था, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती करेंगे। और जैसा कि नमन जी ने गलती की है, गलती क्या करेंगे, यहां पर वर्तमान में दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, 4 ईयर आफ्टर जो दिया है वो पुत्र और माता का दे दिया है, पुत्र और माता का दे दिया है, समझेंगे बात को। अगर दोनों जगह पर सेम रेशियो दिया होता बिल्कुल, इसमें अलग अलग लोगों का रेशियो दे दिया है, इसलिए आप क्वेश्चन को नहीं बना पाए। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया, तुरंत उन्होंने देखा नहीं ऊपर क्या दिया है नीचे क्या दिया है, इधर लिखा 5, इधर लिखा 2, इधर लिखा 1, इधर लिखा 2, अंतर बराबर करने के लिए क्या किया, इसका अंतर ले लिया 1 आया, ऊपर का अंतर ले लिया कितना आ गया 3, और 3 से गुणा कर दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, क्या अंतर बराबर हुआ। देखो जरा यहां पर कितने का अंतर आया 2 का, यहां पर अंतर कितने का आया 4 का। तो इस प्रश्न में अंतर भी तो आप बराबर नहीं कर पा रहे हो, 4 साल बाद दिया है, ये 5 दिया है, वो 2 दिया है, ये कितना दिया है पुत्र का, अच्छा पहले पुत्र का लिखना था, तो पहले पुत्र का लिखना था तो आपने ऐसे भी लिख लिया होगा, हो सकता है पहले पुत्र का दिया है 1, फिर माता का कितना दिया है 2, वही तो लिखा था मैंने पहले, अच्छा इसको आप लोगों ने ऐसे लिख लिया होगा, हो सकता है कि पहले फादर का लिख लिया हो 5, बाद में पुत्र का, फिर इधर 2 को पहले कर दिया इधर 1, अब अंतर बराबर करो, इसका अंतर 1 आएगा, इसका कितना आएगा 3, 3 × 6, 3 = 3, अब 1 का अंतर आ गया होगा, अब 1 का अंतर आ गया होगा, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई होगी 4, अगर 1 की वैल्यू 4 हो गई होगी तो हमसे क्या बताना है, पिता और माता की आयु का अनुपात बताओ। अब यहां पर ना तो आप पिता की उम्र निकाल पाओगे, पिता की निकालोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन आपका। मेरे पास नमन CND, हां
सबको समझ में आ गया क्वेश्चन क्यों गलत हो गया है, क्योंकि यहां पर पिता और पुत्र का रेशियो दिया है, यहां पर पुत्र और माता का रेशियो दिया है, इस वजह से इस क्वेश्चन का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो, मतलब इसके आंकड़े अपर्याप्त उत्तर हो जाएगा या इसका उत्तर हो जाएगा सी एंड डी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं क्या ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं क्या ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। तो ये हो गए हमारे प्रॉब्लम ऑन एज के 30 क्वेश्चन। कल की मॉर्निंग की क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एवरेज के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो कल का हमारा चैप्टर होगा मॉर्निंग का एवरेज औसत, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे 11 बजे से जो हम लोग कर रहे थे कंटिन्यू कंपाउंड इंटरेस्ट, दो टाइप तक हो गए थे, टाइप 3 से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे अगली क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो की लिंक का इंतजार आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको चैनल पे आ जाना है और वहां से वीडियो स्टार्ट कर देनी है। चलिए फिर इसमें बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।